एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 29th of May 2024। तो अभी मैं आपके सामने अपनी सुजुकी बर्कमैन पर बैठा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूंगा कि मैंने बर्कमैन फर्स्ट टाइम कब चलाया था। जब मेरा 400th व्लॉग था, तो जब मैंने बर्कमैन चलाया था और आपको रिव्यू दिया था व्लॉग के अंदर। और अभी उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मैं ये बाइक बाय कर सकता हूँ। पिछले 6 महीने से भी मेरा एक प्लान यही था कि भाई मैं अगर बाइक लूंगा तो कोई भी सिंपल और सेकेंड हैंड बाइक लूंगा जो अच्छा एवरेज देती हो। बस यही मेरा एक प्लान था। तो प्लान में क्या हो गया, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपडेट्स आते गए। फिर मेरा चला कि नहीं यार अपन सेकेंड हैंड में कोई सुजुकी एक्सेस देखते हैं या तो सिटी डीलक्स देखते हैं। बस ये मेरा एक प्लान चल रहा था। मेरे आसपास के जो लोग थे उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया और काफी मुझे बताया बाइक्स के बारे में। आपने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग का टाइटल देखा होगा, हमने जाकर सुजुकी एक्सेस को देखकर आया शोरूम में और कोटेशन भी हमने सुजुकी एक्सेस का लेकर आया। और मेरा प्लान वही था कि सुजुकी एक्सेस मेरे को लेना है। मैंने काफी लोगों को कहा कि यार मेरा एक्सेस लेने का चल रहा है, तो कई मुझे मैसेजेस आए हमारे भाइयों के। बहुत लोगों ने बोला कि भाई बर्कमैन लोग, मैं उनको एक ही रीजन दे रहा था कि भाई इसका लुक काफी हेल्दी है, मीन्स ये बहुत बड़ी लगती है। तो सबने बोला कि तुम का छोटे हो, तुम भी तो हेल्दी हो, तो तुम्हारे ऊपर तो बर्कमैन ही अच्छी लगेगी। तो मैंने हाँ ये बात भी एग्री किया उनकी। 26th May 2024 IPL का फाइनल हुआ, KKR जीती। सेकेंड डे मेरा प्लान चढ़ा था कि शोरूम में जाएंगे और एक्सेस ले लेंगे। आज डेट है 27th of April 2024 और अभी शाम के 7 बजने के आसपास टाइम हो रहा है। तो एक्सेस 125 का तो अभी प्लान चेंज हो गया है, अब प्लान बढ़ चुका है बर्कमैन की तरफ। तो अभी कुछ देर में हमको बर्कमैन बुक करने के लिए जाना है। कुछ देर में हमारे एक भाई आमिर भाई का कॉल आएगा, तो फिर उनके साथ जाएंगे इंशाल्लाह बाइक बुक करने के लिए। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। उनका नाम लिया मैंने, उनका फ़ोन आ गया, बात कर लेगा। हम लोग सुजुकी शोरूम गए और हमने वहाँ पर बर्कमैन बुक किया। और नेक्स्ट डे ट्यूसडे 28th of May 2024 यानी कल, हम लोग बर्कमैन की डिलीवरी लेने के लिए शोरूम गए। उस टाइम मुझे कुछ शूट करना हुआ नहीं, तो डायरेक्ट नेक्स्ट डे के ऊपर आता हूँ। तो नेक्स्ट डे था ट्यूसडे 28th of May 2024। तो सुबह से बस चालू था कि यार भाई बर्कमैन लेना है, बर्कमैन का स्पेशल व्लॉग बनाना है। तो सुबह से व्लॉग स्टार्ट करना हुआ नहीं, डायरेक्टली बर्कमैन के शोरूम तक पहुँच गए तो भी व्लॉग स्टार्ट करना हुआ नहीं। तो वहाँ पर हमने कुछ ये सिनेमैटिक शॉट्स लिए थे। हम 6 लोग मौजूद थे जिसमें से 3 बच्चे थे और 3 जेंट्स थे। आमिर भैया, मैं, एजाज भैया और साथ में आमिर भाई की बेटी जिम्मल, इजाज भाई की बेटी जुनेरा और हमारी बेटी दुआ। सो गाइस ये थे हमारे डिलीवरी के कुछ ब्यूटीफुल सीन्स। ऑल क्रेडिट गोज टू आमिर भाई। आमिर भाई ने कैमरा होल्ड कर ये सब कुछ शूट किया था। और उसके बाद गाड़ी लेकर आए घर पर सबको बताए। उसके बाद मैं आमिर भाई के साथ एक्सेसरीज डालने के लिए गया था। जैसे आप ये गार्ड अगर आपको नजर आ रहा होगा इस ब्लॉग के अंदर, तो ये एक्सेसरीज हमने शागंज में जाकर ऐड किया। एक्सेसरीज ऐड करे बाद हम लोग एक दावत में गए थे। तो दावत में जाते वक्त अब्दुल रहमान ने बाइक के ऊपर ये कुछ सीन्स मोबाइल से रिकॉर्ड किए थे। तो मोबाइल की इतनी खास क्वालिटी आती नहीं है रात में 0.6 में। तो अब्दुल रहमान ने जैसा भी जो शूट किया ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। उसके बाद मैं दुआ के नाना नानी के पास गया, तो वहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन किया गया था, मीन्स केक लेकर आया था कॉन्ग्रेचुलेशन का। कॉकेट का है, कॉकेट आगरा। एक बहुत स्पेशल मोमेंट पर हमारा दिन खत्म हुआ। फिर हम घर आए और बस ये थी मेरी कहानी। तो गाइज आज है दूसरा दिन, आज डेट है 29th of May 2024 और आज मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाया मैंने यहाँ पर। टू बी ऑनेस्ट मैं आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात को लेकर। आप मेरा व्लॉग काफी दिनों से देखते हैं,
मैं बहुत कायली करता हूँ व्लॉग बनाने के लिए, मैं हमेशा अपने दूसरे कामों को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, हमेशा आपके सामने ये रीजन बताता हूँ कि कल मैं शूट नहीं कर पाया, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद मैं नहीं कर पाया, ऐसा हो गया, फिर मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया, तो बहुत से मैं रीजन देता हूँ। फिर 2 दिन हो गए, फिर 3 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, डायरेक्ट 8 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, कुछ व्लॉग को थोड़ा थोड़ा करते करते 8 दिन लगा देता हूँ। तो ऐसा रिसेंटली ये भी रमजान गए या 1-2 महीने में ऐसा मैंने बहुत बार किया हूँ। और ये मई का मंथ चल रहा है जिसमें मैंने लास्ट वाला व्लॉग कुछ आई थिंक 17-18 मई को शायद अपलोड किया था, देखो मुझे डेट भी याद नहीं है, और उसके बाद डायरेक्ट आज अपलोड कर रहा हूँ, तो मीन्स 8-10 दिन का गैप हो गया है। तो ऐसी काहली मैंने बहुत किया हूँ अपने व्लॉग्स को लेकर, इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं हर बार जब व्लॉग अपलोड करता था तो उसके बाद ये सोचता हूँ कि अब मैं डेली व्लॉग करूंगा। तो ये एक बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, मैंने व्लॉग्स काफी बनाए हूँ और मेरे को ऐसा लगता था कि जब हम सिंपल रूटीन व्लॉग बनाएंगे वही एक ना एक दिन वायरल हो जाएगा, और जो कि ये सच बात है, कोई भारी व्लॉग वायरल नहीं होता है, सिंपल व्लॉग ही वायरल होता है। जो हम सिंपल व्लॉग बनाते हैं तो 10% ऑडियंस देखिए तो भी काफी है, और व्लॉग्स के लिए कुछ ऐसा सोचेंगे या कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कोशिश करेंगे व्लॉग बनाने की जिससे हमारी ऑडियंस गेन हो और हमें व्लॉग के वजह से भी सब्सक्राइबर्स बढ़े। मेन मोटिव ये है कि भाई व्लॉग ऐसा बनाऊं कि जिसके वजह से व्लॉग से भी मेरे व्लॉग को मेरे काफी अच्छे लाइक्स आए, काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स बढ़े और इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट रहो, ऐसा बनाने की मैं कोशिश करूंगा। पता नहीं मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, मैं बहुत लो कॉन्फिडेंट हूँ इस मामले के अंदर क्योंकि मैं अपने दूसरे कामों में इतना बिजी हूँ। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट मोटिवेशन भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, मीन्स फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट भी आने वाला है जिसको मैं मोटिवेशन लेकर नेक्स्ट मेरी जो यूट्यूब पेमेंट है तो उसको मैं 3 साल नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। कोशिश ये रहेंगी गाइस, और मैं बस इसी के साथ एक स्पेशल नोट के साथ आपके सामने ये ब्लॉग को एंड करना चाहूंगा। मेरा एक बिलीव है, कोई कैलकुलेशन काम नहीं आता है, कैलकुलेशन के हिसाब से चलता था तो शायद मैं इस ईयर के एंडिंग तक ये बाइक ले सकता था अगर मैं प्लान करता था। तो मेरा प्लान लगभग पिछले 1 महीने में बना है, 1-1.5 महीने में बना है। उससे पहले जो प्लान था वो सेकेंड हैंड का प्लान था, मीन्स एक सेकेंड हैंड बाइक लेंगे अंडर 50,000, ये प्लान था। पर बस कुछ चीज़ें मैजिक के तौर पर हो जाती है, मीन्स कुछ चीज़ें दुआ से हो जाती है। तो मैंने दुआ किया था कि आफियत के साथ बाइक आ जाए, अल्लाह ताला बस मदद करे, बस हमेशा बस ये चीज़ पे अपने दिल में बस ये बोलते रहता था अल्लाह ताला तू मदद कर बस। और ये बाइक कैसे क्या कल 28 मई को आ गई, डिलीवर हो गई और 27 मई को हमने इसकी पेमेंट कर लिया। ये सब कुछ इसका प्लान मेरे पास नहीं था, सच में मेरे पास इसका प्लान नहीं था, ये सब अल्लाह का प्लान है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई बिलीव रखो, कोशिश करो और दिल साफ रखो, बाकी सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, ऊपर वाले की ज़ात है। तो बस मेहनत करो और अच्छा सोचो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो भी होगा सब अचीवमेंट्स आपको सरप्राइजली हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस आप मेहनत पे बिलीव रखो, और मैंने बस इसी के साथ मैं आपको और ज़्यादा कुछ बोलकर इस व्लॉग को लॉन्ग नहीं करना चाहूँगा। मेरे को ये व्लॉग एडिट कर इंशाल्लाह अपलोड भी करना है, और देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में हम कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, जो भी इंशाल्लाह आपको आगे सब कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया प्लीज डू लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे कूल, ओके टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।